आज का वो आइडिया लेकर सीधे चलते हैं उनके पास। इस समय तो बाजार के मूड और फ्लेवर में जो ऑटो सेक्टर है वही सबके रडार पर है। पहले हमने देखा था स्लोडाउन के चलते तमाम स्टॉक्स करेक्ट हुए थे, उसके बाद प्राइस वाइज करेक्शन के बाद एक टाइम वाइज करेक्शन था, और अब लोअर लेवल से सारे स्टॉक्स बड़ा स्मार्ट मूव दिखा रहे हैं। और इस समय ऑटो एज अ स्पेस के वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। अब इस स्पेस में एक स्टॉक चुनना था तो कौन सा, तो सबसे प्रेफर्ड बेट जो समझ पड़ी है इस समय वो है अशोक लेलैंड। अच्छा, एक कमर्शियल व्हीकल स्पेस का प्लेयर, तो पहले तो समझा दूं सीवी स्पेस पे मैं क्यों दाव लगा रहा हूं। ध्यान रखें, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इस समय कमर्शियल व्हीकल स्पेस आपको नजर आएगी। FY19 के ही जो लास्ट फाइनेंशियल के ग्रोथ नंबर्स थे पीवीज में, पैसेंजर व्हीकल्स में 3%, टू व्हीलर्स में 5%, और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में हमने स्लोडाउन के बावजूद 20% की ग्रोथ आती हुई देखी है। और सीएम के अगर FY20 के फोरकास्ट आप देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है, एमएचसीवी स्पेस है जिसमें वो बेट कर रहे हैं, 10-12% डबल डिजिट ग्रोथ वहां पे देखने को मिलेगी, जबकि पैसेंजर व्हीकल में लोअर सिंगल डिजिट, टू व्हीलर्स में भी सिंगल डिजिट ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं। और उसमें भी अगर मैं डेटा को और इंटरप्रेट करूं तो पिछले 4 सालों से जो सीएम ने फोरकास्ट करा और एक्चुअल सेल्स जो हुई है, 4 में से 3 बार एमएचसीवी सेल्स फोरकास्ट से बेहतर परफॉर्म करी है। LCVs, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स फोरकास्ट से 2 बार बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आई हैं, जबकि पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स में सिर्फ एक बार ऐसा आउट परफॉर्मेंस नजर आया है। तो कमर्शियल व्हीकल एज अ स्पेस वैसे ही सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट में नजर आता है। अब ध्यान रखिए, इस समय सेंटिमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड टेपिड थे क्योंकि अभी भी बाइंग मोमेंटम है नहीं, हालात कमजोर हैं, पर कमर्शियल व्हीकल स्पेस के बाद अब इस स्पेस के हालात सुधरना शुरू होंगे क्योंकि इस समय आमतौर पर इलेक्शन से पहले बाइंग डिफर्ड रहती है, लोग टालते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखें, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा स्पेंडिंग, माइनिंग एक्टिविटी, यहां पे टूल देखने को मिल रहा है, और इन सब स्पेसेस में बड़ा बेनिफिशियरी सीवी स्पेस में कहा जाता है अशोक लेलैंड को। पहली जो छमाई है FY20 की, या मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड हाफ ऑफ FY20 से आप देखेंगे कि एक बाइंग मोमेंटम और तूल पकड़ेगा, क्योंकि BS6 इंप्लीमेंटेशन से पहले बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि तमाम कमर्शियल व्हीकल्स BS6 इंप्लीमेंटेशन के बाद महंगी होती हुई नजर आएंगी, 1-1.5 लाख रुपए के आसपास एक अनुमान है। इसके अलावा ओल्ड स्क्रैपेज पॉलिसी जो है गाड़ियों की, वो कहा जा रहा है FY20 में इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएगी। ऐसा हुआ तो और कमर्शियल व्हीकल स्पेस को फायदा मिलेगा, तो इसीलिए कमर्शियल व्हीकल स्पेस को मैंने चुना है जो ऑल द मोर अट्रैक्टिव नजर आती है इस पूरे ऑटो स्पेस में। अब अशोक लेलैंड की बात, ये स्टॉक दबाव में, इस स्टॉक के हाईस थे 168 के जो साल भर पहले मई में छुए थे उसने, और रीसेंट लोअर लेवल से मोमेंटम के बावजूद ये स्टॉक आज भी 40% से ज्यादा करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। अभी दबाव क्यों आया था, ओवरऑल ऑटोज में स्लोडाउन देखने को मिला था क्योंकि वॉल्यूम्स कमजोर हुए थे। वॉल्यूम कमजोर होने के पीछे कई सारी वजह थी, एक तो मल्टीपल फैक्टर्स में कमजोर सेंटिमेंट थे, NBFC का क्राइसिस आया था क्योंकि यहां पे फंडिंग की दिक्कत आ गई थी, और नए एक्सेल लोड नॉर्म्स जो थे वो सब दबाव बना रहे थे। लेकिन अशोक लेलैंड में एक और कंसर्न उभरी थी कि मार्केट शेयर लूज कर रही है, और है ऐसा, मार्केट शेयर कंप्रेशन था, अब तक 33% का मार्केट शेयर, और उसके बाद FY19 के जो पहले 9 महीने मार्केट शेयर रिड्यूस होकर 32% पहुंच गया, 1% का रिडक्शन हुआ। पर क्यों ये मार्केट शेयर रिडक्शन हुए समझने की जरूरत है। दरअसल टाटा मोटर्स की तरफ से एक एग्रेशन देखने को मिला है, टाटा मोटर्स ने मार्केट प्लेस में अपने डिस्काउंट्स और बढ़ा दिए हैं, और अशोक लेलैंड का मैनेजमेंट कई बार चैनल पे आ चुका, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस था, तो उन्होंने उन ऑर्डर्स पे पार्टिसिपेट नहीं करा अशोक लेलैंड ने जहां पे उनके बेंचमार्क से ज्यादा प्राइसिंग पे दबाव देखने को मिल रहा था, और इसीलिए वो मार्केट शेयर का कंप्रेशन था। अब आगे चलते हुए जब मैं कह रहा हूं कि आउटलुक इंप्रूव होगा कमर्शियल व्हीकल स्पेस का, वॉल्यूम बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस है ये डिस्काउंटिंग का जो प्रेशर है ये नैरो डाउन होगा, कम होगा, जो अशोक लेलैंड को फायदा देगा। अच्छा, क्योंकि मार्जिन की मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान रखें, लास्ट क्वार्टर में डिस्पाइट की कच्चे माल की लागत बढ़ रही थी, इस कंपनी के मार्जिन इनलाइन थे। दरअसल इस कंपनी ने 2% प्राइस हाइक लिया था, और इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन था टिपर्स से, अब वो ट्रक्स आपने देखे होंगे जिसके पीछे वाला पार्ट उठता है और वो मिट्टी गिर जाती है नीचे, उसे टिपर्स कहते हैं। इसके अलावा जो मल्टी एक्सल व्हीकल्स होते हैं ये ज्यादा मार्जिन वाले धंधे हैं, और यहां पे बिजनेस मोमेंटम ज्यादा पिकअप हो रहा है, यहां से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। एक और बात, अगर आप कमर्शियल एमएचसीवी स्पेस का मार्केट देशभर का देखेंगे और इंडस्ट्री चैनल चेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट के मार्केट्स में वॉल्यूम पर प्रेशर है, साउथ इंडिया के मार्केट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और दक्षिण भारत का ही मार्केट है जहां पर अशोक लेलैंड की पकड़ सबसे ज्यादा है। इस कंपनी का एमएचसीवी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा स्ट्रांग है,
ढाई टन से लेकर 55 टन तक की सीवी प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है भारत के बाजार में, और FY 2021 तक पूरी इंटायर रेंज ऑफ LCVs ऑर्डर ऑफर करने की तैयारी है। इस समय भी इसके पास LCVs हैं, लेकिन कुल मार्केट अपॉर्चुनिटी का 45% से 50% के आसपास ये टैप करते हैं। अभी स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो भी बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। एक तो एक फुल फ्लेज सीवी प्लेयर कंपनी बनती हुई नजर आएगी, एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम सामने आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट LCV बिजनेस में पकड़ मजबूत करने से ये अपने बिजनेस मॉडल को डीरिस्क करेंगे। बिजनेस सिक्लिकलिटी जो हम देखते हैं MHCV सेगमेंट से, उससे डीरिस्क होती हुई नजर आएगी। और डीरिस्किंग की अगर बात कर रहा हूं मैं, तो ग्लोबल ऑपरेशंस में पकड़ मजबूत करने की बात है। इस कंपनी ने कह रखा है कि CIS रीजन अफ्रीकन कंट्रीज में नए असेंबली प्लांट से कंपनी सेटअप करने की तैयारी कर रही है। तो ट्रेडिशनल मार्केट से मिडल ईस्ट के, सार्क के, अफ्रीकन पॉकेट्स थे, वहां से अब ये बियॉन्ड जाने की तैयारी कर रही है। तो इंटरेस्टिंग डाइवर्सिफिकेशन होता हुआ नजर आएगा। नियर टर्म हेडविंड्स लग रहा है, इस रीसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही है, इस समय अट्रैक्टिव नजर आता है, इसीलिए स्टॉक को रेडार पर रखें। ऑलराइट, तो अशोक लेलैंड होगा ये स्टॉक, इस पर रहेगी नजर, 1.5% की मजबूती।